दोस्तों RBI ने इंट्रोड्यूस कर दिया है ICCW इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, एंड इसके मदद से दोस्तों किसी भी ATM से दोस्तों आप जस्ट UPI के हेल्प से दोस्तों किसी भी ATM से आप कैश को विड्रॉल कर सकते हो, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। अभी फिलहाल दोस्तों अगर हमें कैश की ज़रूरत होती है तो फिर हमें कार्ड ले जाना पड़ता है, तब दोस्तों हम ATM से पैसा निकाल पाते हैं। बट इस पेमेंट मेथड के मदद से दोस्तों जस्ट आप अपने फ़ोन के UPI ऐप्स के मदद से दोस्तों आप किसी भी ATM से कैश को विड्रॉल कर सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी चीज़ के बारे में फुल्ली से डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है एंड कब तक ये अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, एंड दोस्तों क्या कुछ चार्जेस वगैरह कटने वाली है इसे यूज़ करने में, या फिर दोस्तों कितना लिमिटेशन वगैरह देखने को हमें मिलने वाला है। तो हर चीज़ दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, तो चले करते हैं दोस्तों वीडियो को फटाक से स्टार्ट। वैसे तो दोस्तों अगर बात किया जाए इस पेमेंट मेथड की तो ये ऑलरेडी से एग्जिस्ट करते हैं, ये कोई नई मेथड नहीं है। कुछ बैंकों में हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल देखने को मिलती है, जैसे कि दोस्तों SBI हो गया, HDFC हो गया, तो इसी तरह के कुछ गिने चुने बैंक्स में हमें दोस्तों ये फैसिलिटी अवेलेबल देखने को मिलता है, एंड हम दोस्तों बहुत ही आसानी से UPI के मदद से दोस्तों कैश को निकाल लेते ATM से। एंड आप लोगों ने भी दोस्तों जस्ट अपने UPI के मदद से दोस्तों कैश को निकाला होगा, जैसे कि जिन्होंने यूज़ किया होगा उन्हें पता होगा QR कैश विड्रॉल उसका नाम है, जिसके मदद से दोस्तों जस्ट UPI से ही आप कैश को निकाल सकते हैं ATM के मदद से। बट यहां पे दोस्तों एक मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों, ये चीज दोस्तों इंटरऑपरेबल नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप SBI के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो अगर दोस्तों आप UPI के मदद से कैश को निकालना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपको SBI का ATM ही जाना पड़ेगा, वहीं से दोस्तों आप UPI के मदद से कैश को निकाल सकते हैं। एंड अगर आप दोस्तों SBI के कस्टमर हैं एंड अगर आप चाहते हो कि HDFC के ATM में जाके कैश निकाल ले UPI के मदद से, दोस्तों ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे दोस्तों यहाँ पे ICCW पेमेंट मेथड को लाया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, अगर आप SBI के कस्टमर हो तो आपको SBI का ATM ही जाना पड़ेगा UPI से कैश निकालने के लिए। बट ICCW पेमेंट मेथड के मदद से दोस्तों अगर आप SBI के कस्टमर हो तो आप HDFC के ATM से भी दोस्तों UPI के मदद से पैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि दोस्तों आप डेबिट कार्ड में दोस्तों किसी भी बैंक से यहाँ पे चले जाते थे किसी बैंक के ATM में, आप चाहे आप SBI के ही, तो अगर आप HDFC में भी जाओ तो वहां से भी आप कैश निकाल सकते हो, तो बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों ये भी वर्क करेगा। एंड लिमिटेशन की बात करो तो दोस्तों जिस तरह से एज रेगुलर दोस्तों आप डेबिट कार्ड तो यूज करते हो, आपको पता ही होगा कि दोस्तों आपको मंथ में 4 या 5 बार फ्री यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज करने का मौका दिया जाता है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा करते हो तब दोस्तों यहाँ पे आपको पैसा यहाँ पे कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है या फिर कुछ लिमिटेशन होती है। अगर दोस्तों आप सेम ATM में जाते हो जिस बैंक के आप कस्टमर हो तो उसी ATM में जाते हो तो वहां पे दोस्तों आप 20,000 तक पैसे को निकाल सकते हो अगर नॉर्मल कार्ड है आपका। वैसे अगर दोस्तों आप SBI को, HDFC या फिर किसी और दूसरे दोस्तों यहाँ पे ATM में जाते हो तो वहाँ पे आप 10,000 ही निकाल सकते हो। मतलब सेम उसी फार्मूला पे दोस्तों यहाँ पे UPI पेमेंट सर्विस भी दोस्तों यहाँ पे काम करने वाली है। एंड इससे अच्छी बात दोस्तों, जिस भी ATM में इस पेमेंट मेथड को ऐड करना है तो उसके लिए किसी हार्डवेयर चेंजेस की जरूरत नहीं है। जस्ट दोस्तों सॉफ्टवेयर के चेंज करने से दोस्तों ये जो पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा, एंड आसानी से दोस्तों मुझे लगता है कि लगभग से अगले दो से चार मंथ में दोस्तों सभी ATM में लगभग आपको यहाँ पे दोस्तों ये UPI पेमेंट मेथड आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इस मेथड के मदद से दोस्तों जब हम लोग कार्डलेस हो जाएंगे तो जैसे कि आपको पता होगा ATM क्लोनिंग, स्कीपिंग, इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों यहाँ पे जस्ट हमारे इसे सेम ATM को बना के उसी से पैसा वगैरह निकाल लेता है, तो इस चीज़ जितने तरह के स्कैम होते हैं इस स्कैम से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे बचाव मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे हमें सेफ्टी मिलेगा, हमें कोई जरूरत दोस्तों यहाँ पे किसी चीज ATM में कुछ कार्ड एंटर करने के, जस्ट अपने फोन से दोस्तों यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है एंड वहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको कैश मिल जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। एंड साथ ही साथ दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल से भी मत भूलना दोस्तों, एंड साथ ही साथ फ्यूचर में आप इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल दोस्तों चीज़ें देखना पसंद करते हो तो यहाँ पे जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिला उसको दबाना बिल्कुल से भी मत भूलना। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके कोई मन में सवाल है, कोई डाउट है तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे दोस्तों आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड डेफिनेटली मैं दोस्तों वहाँ पे आपका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तक वीडियो के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।